कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 11 नंबर। इस चैप्टर में हम देख रहे थे कहां क्या देख रहे थे, नंबर फ्रॉम 51 to 100। इस चैप्टर में हम 51 से लेकर 100 तक के नंबर सीखने वाले हैं। तो इसके जो जो मैंने आगे के पार्ट में बताया था आपको 51 से 100 तक की काउंटिंग बताई थी और आपको बोला था कि इसको आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसे कर सको। तो इसके पहले जो हमारे सभी चैप्टर थे उसमें हमने 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग सीखी थी और उसमें भी हमने जो एक्सरसाइज करी थी वैसी ही इसमें भी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, बट इसमें नंबर क्या होंगे, 51 से लेकर 100 तक के नंबर होंगे और इन्हीं नंबर से रिलेटेड हमारी ये एक्सरसाइज होगी। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप 1 से लेकर 50 तक के जो नंबर थे उसमें आप कर चुके हो, बट यहाँ पे हम 51 से लेकर जो 100 तक के नंबर है उन नंबरों को लेकर ये क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इस साइड जो नंबर है वो टेंस ऑफ मंथ्स में दिए हुए हैं और यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हमें इसे मैच करना है। तो देखेंगे 1 नंबर है हमारा 6 टेंस है 8 मंथ्स, इसका मीनिंग हुआ कि टेंस की प्लेस पे 6 होगा और मंथ्स की प्लेस पे 8 होगा। तो कैसा होता है ये टेंस की प्लेस और ये मंथ्स की प्लेस, ठीक है, 4 4 1 4 10। तो टेंस की प्लेस पे 6 होना चाहिए और मंथ्स की प्लेस पे 8 होना चाहिए, क्या हो गया 6 10 8 1, ये हो गया 6 10 8 1। तो नंबर हमारा हो गया यहाँ पे 68, तो हम इसे किससे मैच कर देंगे, 1 नंबर को 68 से मैच कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड नंबर है हमारा 9 10 7 1, 9 10s की प्लेस पे होना चाहिए और 7 1s की प्लेस पे, तो 9 10s and 7 1 97, तो ये हो गया 97। आप ऐसा नंबर बना कर देख सकते हो 9 7 97। थर्ड नंबर देखेंगे 8 10s and 5 1s, 8 10s है और 5 1s है, तो 85, हम इसे 85 से मैच कर देंगे, तो यहाँ पे 85। अब नेक्स्ट है हमारा फोर नंबर देखेंगे आप 5 10s and 8 1s, 5 10s की जगह हमें चाहिए और 8 1s, 5 10s है और 8 1s है, तो देखेंगे 5 10s and 10 1s 58। अब फाइव नंबर है 7 10s and 9 1s, 7 10s and 9 1s, तो ये हो गया 79, ठीक है। अब देखिए आपको ये नंबर भी आ सकते हैं, ये नंबर को इससे मैच करना हो यही से इससे मैच करना, आपको दोनों ही आना चाहिए। आपको टेंस और वंस वाली जो एक्सरसाइज है वो पूरा जो पहले के चैप्टर है उसमें भी आपको ये सब करवाया है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 51 से लेकर 100 तक की काउंटिंग से रिलेटेड जो भी हमारी एक्सरसाइज है उसे हम कर रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द नंबर, कौन सा नंबर लिखना है, राइट द नंबर। तो फर्स्ट नंबर है जस्ट प्रेसिडिंग नंबर, जस्ट प्रेसिडिंग नंबर यानी जो नंबर पहले आता है या बिफोर नंबर, नंबर के पहले आने वाला नंबर प्रेसिडिंग नंबर, बिफोर नंबर भी कह सकते हो और प्रेसिडिंग नंबर भी कह सकते हैं। तो देखेंगे आप अगर आपने काउंटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करी है 51 से लेकर 100 तक के नंबर की, तो आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 67, तो 67 के प्रेसिडिंग नंबर ऑफ 67, 67 के पहले कौन सा नंबर आता है वो आपको बताना है। तो आप देखोगे ये 6 की लाइन है, तो 61 की लाइन है, ये 6 की लाइन है, 61 62 63 64 65 66 67, तो 67 के पहले क्या नंबर आया हमारा 66। अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि प्रेसिडिंग नंबर ऑफ 67 66, तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप 6 की लाइन है 67 है, 6 की लाइन को आप बोल के भी देख सकते हो कि क्या आएगा इसके पहले। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट नंबर है 84, आपको प्रेसिडिंग नंबर ऑफ 84 के पहले वाला नंबर बताना है, तो 8 की लाइन है यहाँ, तो 81 82 83 देन
97, 98, 99. 99 के पहले हमारा क्या आया था? 98. प्रेसिडिंग नंबर ऑफ 99 इज 98. अब नेक्स्ट है हमारा 72. तो हमें क्या करना है? 72 के पहले वाला नंबर देखना है. तो ये 7 की लाइन है. 71, 72. 71 के पहले क्या आया था? 71. अब देखेंगे 56 के पहले प्रेसिडिंग नंबर ऑफ 56. तो 5 की लाइन देखेंगे आप. 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56 के पहले हमने क्या बोला? 55. तो ये था हमारा प्रेसिडिंग नंबर यानी 4 नंबर, नंबर के पहले आने वाला नंबर. ठीक है, आपको ये जब भी आएगा, जब आप अच्छे से काउंटिंग की प्रैक्टिस करोगे, नंबर्स की प्रैक्टिस, 1 to 100 तक के नंबर आपको अच्छे से आना चाहिए. किस नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है, बाद में कौन सा नंबर आता है, तभी आप कर सकते हो. अब देखेंगे यहाँ पे जस्ट सक्सीडिंग नंबर. जस्ट सक्सीडिंग नंबर यानी आफ्टर नंबर, नंबर के बाद में आने वाला नंबर. तो 58, तो 58 के बाद कौन सा नंबर आता है? यहाँ पे 69 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो यहाँ पे देखेंगे आप, फर्स्ट नंबर है सक्सेसिव नंबर ऑफ 58 के बाद में कौन सा नंबर आता है? आपको मालूम है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 and 59. 58 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 59. आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रेसिडिंग नंबर यानी बिफोर नंबर जो पहले वाला, और सक्सेसिव नंबर यानी बाद में आने वाला नंबर जो होगा. अब देखेंगे 69 के बाद क्या आता है? 69 के बाद आता है 70, 70. यहाँ आ जाएगा आपका 70. अब नेक्स्ट है 87 के बाद हो जाएगा 18. अब 93 के बाद क्या आता है? 94. तो यह आ जाएगा 94. अबे 76, 76, then 77. तो ये हो गया हमारे सक्सेडिंग नंबर. अब हमारा इसी क्वेश्चन में है नेक्स्ट नंबर, मिडल नंबर. मिडल नंबर मीन्स जो नंबर बीच में आ रहा है, या आप उसको बिटवीन नंबर भी कह सकते हो. अब मिडल नंबर या फिर बिटवीन नंबर, बीच में आने वाला नंबर. तो देखिए 62 and 64 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो आप देखोगे 62, 63, then 64. यहाँ आ जाएगा 63. 73, 74, 75. 73 and 75 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा? 74. अब नेक्स्ट है हमारा 51, 52, 53. 51 and 53 के मिडल में कौन सा नंबर आएगा? 52. अब 86 and 88 इसके मिडल में नंबर 86, 87, 88 यहाँ हो जाएगा 87. अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 95 and 96, 97. यहाँ हो जाएगा 96. तो आपको ये जो एक्सरसाइज जो भी मैंने बताई है, आपको ऐसी एक्सरसाइज 1 से लेकर 100 तक के कोई भी नंबर में आए तो आपको आनी चाहिए. 1 से 100 तक के कोई भी नंबर में आपको अगर जस्ट सक्सेडिंग नंबर, प्रेसेडिंग नंबर, मिडल नंबर आए तो आपको वो नंबर आना चाहिए. इसके लिए आपको रोज काउंटिंग बोलना है, लिख के देखना है 1 से लेकर 100 तक के नंबर, और उसकी प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू.